दोस्तों नमस्कार। जैसे टेकिंग के अगले पड़ाव में हम चले पड़े हैं रेडा गांव से आगे की ओर, जहां पर जसेरी तालाब के पास हम खड़े हैं। और ये जो जसेरी तलाई है ये बहुत ही यहाँ पर फेमस है, क्योंकि कहते हैं कि सारी तलाई सूख जाती है लेकिन ये तलाई कभी भी नहीं सूखती। और इसी में ही हमारे रोश और रेंजर्स किस प्रकार से इन में अपना खाना बना रहे हैं, इनके पास क्या साधन है, जो साधन उन साधनों के साथ कम संसाधनों के साथ अपने और अपने को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास में, ये जो हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ कुछ ग्रुप्स में इनको हम बांट देते हैं और अपना अपना इनको सम्मान दिया हुआ है। और ये प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर खाना बनाया जाए, साधन इनके पास बहुत ही सीमित है। आपको मैं लिए चलता हूँ उन्हीं के पास। ये जो आप देख रहे हैं ये कैक्टस है जो यहाँ के मरुस्थल की पहचान है, सुंदर सा सुंदर। दोस्तों इसके बारे में एक कहावत है, जब हम छोटे थके थे और बचपन जब हमारा था तब हमें ये कहा जाता था कि बहनों को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ कैक्टस के रूप में उगाते, जैसे इसके देखिए हाथ है। तो ये एक तरीके होते थे किस प्रकार से वहां की वनस्पति के साथ आप ट्रेडिशनल को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, परंपरागत तरीकों को किस प्रकार से आप इनके द्वारा भी मरुस्थली जीवन के द्वारा भी जीवन में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखो अब हम चलते हैं एक गुरु के पास और किस तरह से ये अपना कार्य कर रहे हैं ये देखते हैं। और ये प्रयास कर रहे हैं आग जलाने का, और आग भी इन्होंने बिना उसके जलाई है, साधन के पत्थर सिक्के द्वारा इन्होंने जलाई है। अब ये बना रहे हैं दाल बाटी आपके, दाल बाटी बना रहे हैं हमारे बाटी से, और ये बाटी बनाने सी भी संसाधन है बिल्कुल, और संसाधन वो बर्तन बर्तन नहीं है तो बिना बर्तन के खाना बना रहे हैं। तो आप लोग सब कहाँ से? जयपुर डिवीजन। जयपुर डिवीजन में कहाँ कहाँ से है बता सकते हैं? अच्छा, आपको यहाँ इस तरह का खाना बनाना कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, लेकिन नहीं वो अलग चीज है, लेकिन जो इस मरुस्थल में ऐसे स्थान पे बनाने का मजा ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वैसे आपको ये बताइए जो तलाई है इसको हम जसेरी तलाई बोलते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात इसकी खासियत है सारी तलाई सूख जाती है, कभी भी नहीं सूखती। ज्यादा ज्यादा बिल्कुल। ओके बेटा, थैंक यू। तो हमने आपको दिखाया एक पार्ट, अब चलते हैं दूसरे दल की ओर। ये जयपुर डिवीजन के लोग थे और उन्होंने अपना प्रयास किया। अब हम जिनके पास जा रहे हैं वो जो यहाँ जो ईंधन का जो साधन है वहीं से इन्होंने जुटाया है, इन्हें किसी प्रकार का कोई साधन नहीं दिया गया, अपने प्रयास कर रहे हैं और एक उत्तम खाना बनाने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का ईंधन है जो इन्होंने यहाँ से जंगल से ही कलेक्ट किया है, मरुस्थल की भूमि से। लीजिए इनसे भी हम बात करते हैं। भाई आप लोग कहाँ से? कोटा से। ये कोटा डिवीजन के लोग हैं और सब कहा जाए। हाँ अभी सर मृणाल कुमार सोगरिया झालावाड़ जिले से हैं, और पहली बार एक्सपीरियंस है, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, फिर भी जैसे तैसे करके सामान कलेक्ट कर लिया हमने। सर मैंने इससे पहले सर माउंट आबू में किया था सर, लेकिन डेजर्ट में शायद मेरे हिसाब से ये पहला प्रयास होगा। पहला है yes, आपको इस डेजर्ट ट्रेकिंग में कैसा लगा? आप अपने अन्य दोस्तों को भी कहेंगे कि आप नेक्स्ट? आप बना क्या रहे हैं आज? सर बना जो भी रहे वो, अरे सर वो बना ऐसा रहे हम कि जैसा भी होगा वो टेस्टी खाना होगा। नहीं फिर भी आपने कुछ तो सोच के रखा होगा कि हम ये चीज बनाएंगे आज। वो सस्पेंस रहता है ना। अच्छा सस्पेंस है आप लोगों का। चलिए चलिए, वो क्या? अच्छा वो मिर्ची काट रहे हैं भाई साहब। अच्छा चम्मच से एक बार काट के दिखाइए वो। ये जो है ना बिना संसाधनों के भी किस प्रकार से स्काउट कार्य करता है, ये हम इस तरह के आयोजनों से लोगों को समझा पाते हैं। और वो देखिए दो इनके साथी हैं जो पत्थर ला के ला रहे हैं, और इन पत्थरों की सहायता से इन्होंने चूल्हे का निर्माण किया है। और क्योंकि हवा बहुत तेज है
इसलिए उस हवा से बचाव के लिए इन पत्थर, ताकि हवा इसके आग को नहीं लग सके, और इन्होंने भी आग का जो है वो अपने आप दो पत्थरों की सहायता से आग जलाई। इनको आग जलाने के लिए कोई तरह का साधन नहीं दिया गया। तवा बनाएंगे सर इसका। अच्छा, इसका तवा बनाएंगे आप। अच्छा, और ये देखिए इसको पहले दो पानी। वैसे आपका शुभ नाम? अतुल सिंह नाम है। अतुल, आप कहाँ से? कोटा। और आप? जसपाल सिंह। कोटा से? बूंदी से। बूंदी, चलो हड़ौती क्षेत्र के आप सभी छात्र। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसलमेर आने के लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ के जो लोकल निवासियों की खासियत यही है, वो जीते तो कठिन जीवन है लेकिन उनका स्वभाव जो है बड़ा सरल है। इस प्रकार से वो दो रूपों का सामंजस्य है, और वही सामंजस्य हम अभी स्काउटिंग में भी देखने को देख रहे हैं। और इस तरह से देखिए, इन्होंने ये जो कलेक्शन किया है यहाँ से ईंधन का। आप लोग चेतन भाई साहब कहाँ से? यस सर, उदयपुर मंडल से हमारी टीम जो बिना संसाधन के खाना बना रही है। आज हमें डेजर्ट ट्रैकिंग में या खुले में खाना और विदाउट बर्तन के खाना बनाना है, जिसमें हम बाटी बनाएंगे और आलू और उसकी आलू और प्याज की सब्जी बनाएंगे। हाँ भाई, ये आपने क्या बनाया यहाँ पे? हाँ सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, आलू पकाने का भट्टी बनाई है आपने, और प्राकृतिक संसाधनों से। बैक कोर्स मैन कुकिंग का आनंद लेते हुए संभागी, और लीजिए चलते हम एक और ग्रुप के पास। जैसे ही तालाब की पाल के ऊपर से होते हुए लीजिए एक और ट्रूप है, वो अपनी तैयारी कर रहा है। और देखिए, जहाँ निर्जन स्थान है, संसाधन नहीं है, बिना संसाधनों के किस प्रकार से हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, और यही सिखाने का प्रयास करते हैं भारत स्काउट एंड गाइड के द्वारा। लीजिए, हम पहुंच भी चुके हैं। देखिए, इन्होंने पत्थरों की सहायता से एक चूल्हे का निर्माण किया है। नमस्कार सर। और नमस्कार भी, आप सब कहाँ से? बीकानेर और भरत डिवीजन के जो ये रोवर्स और रेंजर्स है, बहुत ही आनंद आ रहा है। बिना मतलब बिना बर्तन के खाना बना रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इन्होंने देखो लकड़ियों का उपयोग किया है, इधर से वो ये क्या बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे भाई साहब? तवा। देखिए, मतलब ये सोचने की बात है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि हम ऐसे स्थानों में फंस जाएं और हमारे पास कोई साधन नहीं हो, तो उन साधनों को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि अपनी प्लेट और ये मिट्टी की सहायता से एक तवे का निर्माण किया है, और उस तवे पे ये जो अपनी बाटियां वगैरह है वो सेकने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तहत में आयोजित डेजर्ट ट्रैकिंग शिविर के इस पड़ाव में हमने बच्चों को दिया बैकवुड्स मैन कुकिंग का एक टास्क, जिसमें उनको अलग अलग टोलियों में विभाजित करके बिना संसाधनों के किस प्रकार से आउटडोर में हम खाना बना सकते हैं वह बात बताने की कोशिश की गई, और बच्चों ने उसमें उत्साह के साथ भाग लिया। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है, इसलिए इसका एक और पार्ट हम बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे दूसरे ग्रुपों में किस प्रकार का खाना बनाया। ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, जोधपुर मंडल का ग्रुप है, और बच्चे अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है इंडिया द ऑफबीट हेरिटेज। अगले वीडियो तक करें इंतजार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्काउट।